जो नेक्स्ट हमारा जो हमारी हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्वादर, के एक्चुअली चाइना क्यों बिल्डअप करना चाह रहा है ग्वादर को, अमेरिका ने क्यों अपना इंटरेस्ट शो किया था ग्वादर को बिल्डअप करने के लिए, परवेज मुशर्रफ साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि ग्वादर को बिल्डअप किया जाए, पाकिस्तान क्यों बार बार कह रहे हैं कि ग्वादर को बिल्डअप किया जाए। तो ये कुछ हैं क्वेश्चंस। तो हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस एक्चुअली ग्वादर की क्या है, ग्वादर की इंपॉर्टेंस है क्या, किस वजह से ग्वादर जो है ना वो हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि ग्वादर जो है ना वो डायरेक्टली लैंड रूट के जरिए चाइना के सिंचियांग प्रोविंस को कनेक्ट करेगा, नॉर्थ वेस्ट चाइना को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान को। अच्छा, तो ये क्या होगी कि ये रोडवे है सी पैक, 2700 किलोमीटर की रोड होगी काशगर से ग्वादर। मैंने आप लोगों को बताया था कि काशगर, काशगर से जीबी, उसके बाद फिर वो डेरा इस्माइल खान, और वहां से फिर होता हुआ आगे पहुंचेगा ग्वादर में। तो ये 2700 किलोमीटर की रोड है, रोडवे है काशगर से ग्वादर तक। इसके अंदर 1100 किलोमीटर मोटरवे है कराची से लाहौर, ठीक है, कराची से लाहौर तक का सफर भी है। मैंने आप लोगों को एक और बताया था रास्ता कि कराची ग्वादर से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से फिर आगे जो है वो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर आगे रास्ता चला जाएगा ग्वादर में। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि ये 1100, इस 2700 किलोमीटर के अंदर 1100 किलोमीटर होगी मोटरवे फ्रॉम कराची टू लाहौर, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा अपलिफ्टिंग ऑफ करकरम हाईवे, जो शहर है रेशम है, जो सिल्क रूट है, ठीक है, उसकी अपलिफ्टिंग होगी, ठीक है। करम करम हाईवे वो काशगर से खुंजराब पास, और खुंजराब से आगे होते हुए ग्वादर तक पहुंचेगी। उसके बाद इसका, जी मैं रिपीट कर देता हूं सजाद अली, के ग्वादर जो है वो नॉर्थ वेस्ट चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा। ये रोडवे होगी 2700 किलोमीटर की, दैट विल कनेक्ट काशगर टू ग्वादर। इसमें 1100 किलोमीटर की मोटरवे होगी विच विल कनेक्ट कराची टू लाहौर, और उसके बाद जो कराकरम हाईवे की एक्सटेंशन होगी, ठीक है, जो कराकरम हाईवे की, पहली तो ये है कि उसकी अपलिफ्टिंग की जाएगी, उसके बाद इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा काशगर से खुंजराब, और खुंजराब से आगे ग्वादर, ये पूरी की पूरी जो है ना वो बनाई जाएगी, रोडवे होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कराची जो जो ग्वादर है वो है डीप सी रूट। मैंने आप लोगों को बताया कि, अच्छा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि दो तरह के सी रूट होते, सी पोर्ट होते हैं, एक होता है डीप सी पोर्ट, एक होता है शैलो सी पोर्ट, ठीक है, ये अपने पास लिख लीजिएगा, एक होता है शैलो सी पोर्ट, एक होता है डीप सी पोर्ट। डीप सी पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बड़े से बड़ा शिप वो आके जो ना वो कोने पे आके वॉल के साथ लग जाता है, ठीक है। डीप सी पोर्ट में जो, जहां से स्टार्टिंग होती है ना, जो वॉल होती है वहां से जो ना वो डीप शुरू हो जाता है, जबकि जो होता है ना शैलो सी पोर्ट, शैलो सी पोर्ट में बड़ा शिप आके वॉल के साथ नहीं लगता। शैलो सी पोर्ट में जो है ना जहां तक डीप होता है वहां तक बड़ा शिप आता है, उसके बाद आगे जो है ना वो पोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता लोड, फिर आगे जो है ना वहां से छोटे शिप्स के अंदर लोडिंग की जाती है, बड़े से अनलोडिंग करके छोटे शिप्स में लोडिंग की जाती है, और फिर छोटे शिप्स में सामान जो है वो शैलो सी पोर्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। तो जो ग्वादर सी पोर्ट है वो है डीप सी पोर्ट, ठीक है। तो ये ग्वादर जो सी पोर्ट है ये इतना बड़ा सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, इतना बड़ा सी पोर्ट है कि इस तरह के सी पोर्ट जो है ना वो दुनिया में बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट, इसकी अगर आप विड्थ की बात करें ग्वादर सी पोर्ट की विड्थ की, तो इट इज
ऑलमोस्ट 1000 miles, 1000 मील है, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ द अर्थ. ठीक हो गए स्टूडेंट्स. अच्छा, तो एक और इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं ग्वादर सी पोर्ट की, कि ग्वादर सी पोर्ट में इतनी कैपेसिटी है कि वो 400 मिलियन से 500 मिलियन टन्स का वेट जो है ना वो बर्दाश्त कर सके. मतलब इतनी कैपेसिटी है कि अगर एट अ टाइम 400 to 500 मिलियन टन्स का अगर वेट हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है. इंडिया को क्या मसला है ग्वादर से? मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये क्लियर करता चलूं कि इंडिया के जो है ना वो टोटल 212 सी पोर्ट है, ठीक है, टोटल 212 सी पोर्ट्स हैं, और अगर उन 212 जो टोटल हैं सब की भी अगर कैपेसिटी मिलाई जाए ना तो फिर भी ग्वादर सी पोर्ट की कैपेसिटी के बराबर नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि ग्वादर अकेला 500 मिलियन टन जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है. तो ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया को ग्वादर से या सी पैक से, के ग्वादर का बिल्डअप हो रहा है और जो ट्रेड जो है वो उनके सी पोर्ट से नहीं होगा बल्कि वो सारा का सारा ग्वादर पे शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद एक और हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं ग्वादर की, के ग्वादर की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर लैंड लॉक कंट्रीज, जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो इन लैंड लॉक कंट्रीज को सी तक रसाई हासिल होती है थ्रू ग्वादर. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस इसकी आ जाती है वो ये है कि ग्वादर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका इन दोनों के बहुत ज्यादा करीब है. मैंने ऑलरेडी, हमने जब सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिटेल में डिस्कस किया था कि उसके ऊपर ईरान का कब्जा है, वो ईरान के साथ लगती है स्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका वो जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और वहां पे जो है वहां से भी ये ट्रेड होता है. तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दोनों साथ साथ हैं और ग्वादर इनके बहुत ज्यादा नजदीक है. तो इसका मतलब है कि ग्वादर के जरिए सी तक एक्सेस जो है ना वो मिल सकती है, ओशन तक एक्सेस मिल सकती है, ठीक है. तो तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका से पूरी दुनिया का ट्रेड जो है ना वो होता है, तो वो ट्रेड जो है ना वो ग्वादर से भी पास करेगा, बिकॉज ग्वादर इज वेरी नियर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका. तो अगर हम ग्वादर की बात करें तो ये चाइना के लिए सिंपल जो है ना वो बाय शिप 17 to 18 days का सफर रह जाएगा चाइना के जरिए, ठीक है. अगर चाइना ग्वादर को यूज करता है, सॉरी, अगर चाइना पहले जो है ना वो जब ग्वादर की बिल्डअप नहीं थी, ग्वादर की बिल्डअप से पहले तकरीबन चाइना को मिडल ईस्ट तक पहुंचते 17 से 18 दिन लगते थे जो शिप्स थे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए. लेकिन अगर चाइना ग्वादर को यूज करेगा तो ये ग्वादर इतना शॉर्टेस्ट एक्सेस देगा, इतनी शॉर्टेस्ट एक्सेस देगा कि वो 17-18 दिन का सफर जो है वो 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट विल टेक ओनली 2 days फॉर चाइना टू रीच मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट तक सिर्फ 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा. तो जो ग्वादर है वो शॉर्ट और इजी रूट प्रोवाइड करता है टू चाइना, ठीक है, ताकि वो मिडल ईस्ट को एक्सेस कर सके. उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और बताया था कि ग्वादर बहुत जो है ना वो डीप सी पोर्ट है, इतना बड़ा सी पोर्ट है कि 1000 miles तक इसकी विड्थ आती है, ठीक है. तो जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनको स्ट्रेट चाहिए होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट. अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने देखा होगा मैप्स के अंदर के दो सीज को कन्वर्ट कनेक्ट करने के लिए एक
जो है वो छोटी सी स्ट्रेट निकलती है, मतलब जिसकी लेंथ जो है ना सी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा उसकी विड्थ कम होती है, जहां से जो शिप है वो बड़ी मुश्किल से पास होता है। तो पोर्ट को जो सी पोर्ट है उनको जो है ना वो सी तक रसाई के लिए स्ट्रेट चाहिए होती है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि जो ग्वादर है इट इज वेरी नियर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है? तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाका के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से जो है वो सी तक एक्सेस मिल सकती है। तो एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आज तक पाकिस्तान किधर था, पाकिस्तान ने क्यों नहीं अपनी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस किया, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ग्वादर के एस्पेक्ट से बात करें तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं फोकस किया अपनी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर? तो ये आप सब लोगों को पता है कि हर स्टेट की जियो अपनी जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? पाकिस्तान की भी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इफ वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्वादर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द होल वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक अगर हम बात करें, कुछ पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंपल्शन थी वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो पाकिस्तान जो है वो एक इजी एक्सेस देता है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना ग्वादर के जरिए जो मिडल ईस्ट तक जा सकता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया तक जो है ना वो जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान को जो गॉड गिफ्टेड माउंटेन्स हैं, नेचुरल जो पाकिस्तान के पास चीजें हैं, सीज हैं, डेजर्ट्स की अगर आप बात करें, रिवर्स की आप बात करें, फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को कोल्ड वॉर के अंदर और 9/11 के बाद बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा कंपल्शन थी, ठीक है, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सही इस्तेमाल नहीं कर सका पाकिस्तान जो है ना वो, इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बड़ा बदकिस्मत मुल्क रहा है, ठीक है? तो आप लोग देख लें कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, दोनों कंट्रीज एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज वो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि पाकिस्तान जो है ना वो इकोनॉमी में उसका पीछा नहीं कर सकता, ठीक है? तो पाकिस्तान जो काफी सारे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अंदर घिरा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस नहीं कर सका, ठीक है? सब लोगों को समझ आ गई है ये पाकिस्तान को? अच्छा, तो एक और दूसरा के पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई थी, ठीक है? इससे पहले जो बड़ी एफडीआई हमारे कंट्री के अंदर आई वो थी स्टील मिल्स, जो 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट आई थिंक 1960s के अंदर बनी, 63-64 की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल जो है ना वो लगाई रशिया ने, हालांकि उस वक्त हमारे रशिया के साथ हालात बहुत ज्यादा खराब थे, बिकॉज पाकिस्तान ने उस वक्त कैपिटलिस्ट ब्लॉक को चूज किया था, रशिया को चूज नहीं किया था। अपना रीजन एशिया को छोड़ के वो सात समंदर पार जो है ना वो अमेरिका के साथ जाके मिल गया था। इस हवाले से इंडिया बेहतरीन रहा, इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन कर ली थी नेम, ना वो रशिया का हिस्सा बने ना वो अमेरिका का हिस्सा बने, तो ना अमेरिका उनसे नाराज हुआ ना रशिया नाराज हुआ, दोनों कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, ठीक है? अच्छा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंट्री के अंदर नहीं होगी तो वो कंट्री जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि जो एफडीआई है वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कितना रोल प्ले करती है। एफडीआई जो है ना वो आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग से भी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होती है, एसेट शेयरिंग भी होती है, ठीक है, फंडिंग के जरिए भी होती है, और अगर कोई आके डायरेक्ट आपके अंदर जो है ना वो आपके मुल्क के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है।
जैसे अगर हम मिसाल लें तो 1970s के अंदर जापान ने चाइना में इन्वेस्ट किया और अपनी सारी इंडस्ट्री चाइना में ट्रांसफर कर ली, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है। और चाइना ने उस आईटी इंडस्ट्री से इतना फायदा उठाया कि नाउ चाइना हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जापान ने चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने फंडिंग के जरिए जो है ना वो बहुत ज्यादा चाइनीज इकोनॉमी को बूस्टअप किया। सिमिलरली 1980s में चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी मलेशिया को भी दी, ठीक है, और आज जो है ना वो मलेशिया ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि नाउ मलेशिया हैज बीन कॉल्ड एज एशियन टाइगर, ठीक है, मलेशिया को एशियन टाइगर कहा जाता है। सिमिलरली 1990s के अंदर जापान ने अपनी आईटी इंडस्ट्री इंडिया में ट्रांसफर की और आज देख लें कि इंडिया जो है ना वो इस रीजन के अंदर वर्ल्ड लेवल के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते बट रीजन तक पहुंच गया। पाकिस्तान रीजन के अंदर भी नहीं पहुंचा ना, रीजन लेवल के ऊपर भी, तो इंडिया रीजनल लेवल के ऊपर पहुंच गया। नाउ इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द रीजन, अगर आप साउथ एशियन रीजन की बात करें तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मिसाल लें तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है स्टील मिल इंडस्ट्री जो रशिया ने लगाई 1960s में, उसके अलावा कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ठीक है, सिर्फ एक वही प्रोजेक्ट था, ठीक है। अच्छा, उस स्टील मिल के अंदर भी जो ना वो प्रोजेक्ट्स ज्यादा नहीं थे, एक ही प्रोजेक्ट था कि बस उन्होंने स्टील मिल लगानी है। अगर आप सीपैक में हम आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सीपैक को के प्रोजेक्ट्स क्या गया सीपैक के अंदर, तो आप देखेंगे कि एक सीरीज है, लंबी सीरीज है ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अभी काफी टाइम बाद ऑलमोस्ट जो है वो हाफ सेंचुरी तकरीबन 50 साल बाद पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जियो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और पाकिस्तान जो है अब उस पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत करना है, ज्यादा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूज हो रही है, जियो इकोनॉमिक यूज एक लोकेशन यूज हो रही है टू बेनिफिट इट्स जियो इकोनॉमी, ठीक है। तो जो सीपैक है वो पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर बाय चाइना। अच्छा, उसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने सीपैक ग्वादर बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा कहा, या सीपैक का जरदारी साहब सीपैक लॉन्च करना चाहते थे, ठीक है, चाइना राहदारी, जनरल सॉरी मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा जोर दिया, तो असल वजह क्या थी, पाकिस्तान क्यों इतना डेस्परेट था कि वो सीपैक को इनिशिएट करे, ठीक है। तो फॉर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पाकिस्तान के लिए दो वर्ड्स दो टर्म्स यूज की जाती थी, तो उनमें से एक टर्म्स थी कैश स्टार्व्ड कंट्री, पाकिस्तान जो है ना वो पैसे का भूखा मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो, और पाकिस्तान को कैश नीडेड कंट्री भी था, पाकिस्तान को पैसा चाहिए भी था, ठीक है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई नहीं थी तो पैसे की कमी थी, ठीक है। पैसे की अगर हम बात करें तो हम जो है ना वो मेनली हम डॉलर्स की बात ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो है ना वो ट्रेड डॉलर्स के अंदर होता है। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है ना वो रिक्वेस्ट की 1980s के अंदर, 1990s के अंदर, 2010-11 के अंदर, उसके बाद 2013 में जब तब जाके जो है ना वो हुआ। तो पाकिस्तान जो है ना वो इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज्यादा डाउन थी, पाकिस्तान डिफरेंट जियो पोलिटिकल इश्यूज के अंदर, जियो इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर घिरा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान के इंटरनल रिफ्ट्स बहुत ज्यादा थे, अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा था। आपको पता है कि 2010-11-12 के अंदर जो टेररिज्म था वो बहुत ज्यादा पीक पे था, तो कोई भी कंट्री पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। तो जो हम अगर हम पहले बात करें तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पैसा आया है, पाकिस्तान को पैसा दिया गया है, तो वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज किया गया, ठीक है। उन्होंने उस पैसे ने जो है उसकी वजह से ना पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ी,
और ना इकोनॉमी बढ़ी। ये दोनों चीजें, ग्रोथ और इकोनॉमी, पाकिस्तान की दोनों जो है ना वो कम ही रही। तो जो डिफेंस एड पाकिस्तान को दी गई अमेरिका की तरफ से वो मुजाहिदीन के लिए थी। सिमिलरली 9/11 के बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, बट दैट वॉज फॉर फाइट इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। तो अब जो है ना वो आप लोगों को पता है कि ये जो अभी जो पाकिस्तान का जो बजट से पहले जो एक रिपोर्ट आती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो शो करती है कि उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सेक्टर था, इकोनॉमिक सेक्टर, उसने नेगेटिव ग्रोथ शो की हुई थी। एक होती है पॉजिटिव, जीरो भी नहीं, वो नेगेटिव में चली गई थी कि बिल्कुल जो है ना हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो पे चली गई। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो टेररिज्म हिट कंट्री बन गया। ठीक है, और जो है ना वो ये सारी इन सब की वजह से पाकिस्तान को जो है ना वो कैश स्टार्व कंट्री कहा गया। दूसरा सबसे मेन इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान डेस्परेट था सीपैक को इनिशिएट करने के लिए, वो था पाकिस्तान एनर्जी स्टार्व कंट्री था। एक तो पैसा नहीं था पाकिस्तान, दूसरे जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा पीछे था। पाकिस्तान वाज एनर्जी स्टार्व कंट्री, तो बहुत बड़ा शॉर्ट वॉल था इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को पता है जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही तो ऑलमोस्ट 17-18 आवर्स, अगर आप कराची की बात करें तो कराची में तो पता नहीं बिजली होती भी थी कि नहीं, तो 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी मुकम्मल तौर पे। ठीक है, काफी सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने एनर्जी की कमी की वजह से, लाइट के ना होने की वजह से, या जो ना वो पानी की भी कमी रही, पानी की कमी की वजह से इंडस्ट्रीज जो है ना वो बंद कर दी और काफी सारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश, म्यांमार शिफ्ट हो गई। जो कराची बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको पता है कि कराची में तो लाइट होती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं थी। जो कराची बेस्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बंद की और वो रियल इस्टेट बिजनेस की तरफ आ गए। ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, पाकिस्तान की जो ये जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, उसको बहुत ज्यादा हिट जो है ना वो सेटबैक का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा सेटबैक मिला उनको। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, तो वाटर स्कार्सिटी थी बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर को जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीरो ग्रोथ शो की। ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो डिस्टरबेंस का शिकार हो गई थी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टफॉल की वजह से, वाटर के शॉर्टफॉल की वजह से इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सेटबैक का सामना करना पड़ा और इस तरह जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खसारे में आ गई थी। और उसके बाद जो है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक का मुआहदा हुआ और सी पैक की ऑफिशियल साइनिंग्स हो गई और सी पैक पाकिस्तान के अंदर आ गया। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सी पैक, के सी पैक के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया इसको कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, बिकॉज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था सीपैक का वो क्या था, टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी शॉर्टफॉल है उनकी प्रॉब्लम्स को, वो जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। और जो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ सी पैक वो था कि वेस्टर्न चाइना को ग्वादर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, सिंचांग प्रोविंस, वहां पे भी टेररिज्म बहुत ज्यादा है। वहां पे जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं कह सकते, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, सॉरी मिर्जेंस से उसका नाम निकल गया,
पता नहीं मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, अभी जहन में था इसी वजह से मैं आप लोगों को बताने लगा था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। तो वो जो ना वहां पे अभी जो चाइना है वो उस सिंचियांग प्रोविंस को डेवलप करना चाह रहा है, वहां पे अपनी आबादी बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, वहां पे सेटलमेंट कर रहा है। तो उस वजह से अब जो है ना वो एक शॉर्टेस्ट रूट देना चाह रहा है अपने आप को, और पाकिस्तान के साथ रोडवे के जरिए लिंक करना चाह रहा है। तो ये थे तीन ऑब्जेक्टिव्स सीपैक के, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं लेग्स ऑफ सीपैक। पहले हमने बीआरआई की लेग्स पढ़ी, ठीक है, अब हम सीपैक की लेग्स पढ़ते हैं। तो जो सीपैक में सबसे पहली जो लेग है, ठीक है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। दूसरी है एनर्जी सेक्टर, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर। पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फिर एनर्जी सेक्टर, और उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर। तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो इसके अंदर रोड नेटवर्क्स आ जाएंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर रेलवे नेटवर्क्स आ जाएंगे, अपलिफ्टिंग ऑफ कराकरम हाईवे होगी, ठीक है, और होल कंट्री को, पूरे जो पूरा मुल्क है उसको तीन अलाइनमेंट्स के जरिए कनेक्ट करना है। दैट इज ईस्टर्न अलाइनमेंट, जो के पंजाब और सिंध को कवर करेगी, वेस्टर्न अलाइनमेंट जो के केपीके और बलूचिस्तान को कवर करेगी, ठीक है, और सेंट्रल अलाइनमेंट जो कि केपीके, बलूचिस्तान और पंजाब तीनों को कवर करेगी। तो ये हैं जी तीन अलाइनमेंट्स जो कि पूरे पाकिस्तान को, जो ना पूरे मुल्क को आपस में कनेक्ट करेगी। जो दूसरा आ जाता है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी कि जो प्राइवेट चाइनीज कंपनीज हैं वो एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है, पाकिस्तान को एनर्जी। आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान के लिए सोलर एनर्जी भी चाहिए, कोल एनर्जी, थर्मल, हाइडल, विंड एनर्जी, ये सब चाहिए, तो इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर चाइना कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है। आप लोगों को पता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट की भी है, ऑलमोस्ट 10,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी एड की जा चुकी है ग्रिड स्टेशन के अंदर थ्रू सीपैक। इसी वजह से ही तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस कम हुआ है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से निकला है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहाल हुई है हमारी। जो तीसरी मेन लेग है वो है डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको ग्वादर का डिटेल में बता दिया है, ठीक है, और उन सब के अलावा जो है ना वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो के जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगाए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, जहां पे जो है ना वो हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया है। अब आगे हम इन लेग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि रोडवे कौन कौन सी है, रेलवे कौन कौन सी है, उसके बाद ईस्टर्न अलाइनमेंट कहां से कहां तक है, वेस्टर्न कहां से कहां तक है, और सेंट्रल अलाइनमेंट कहां से कहां तक है, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या जो है ना वो डेवलपमेंट की जाएंगी। तो यहां तक मुझे बताइए काइंडली, सबको समझ आ गया, काइंडली मुझे बताइएगा। जी ठीक है, ओके 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 अच्छा, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट ऑफ सीपैक। सबसे पहले हम ग्वादर की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको ग्वादर की डिटेल मैंने सब लोगों को बता दी थी कि वो क्राउन है सीपैक का। तो ग्वादर को डेवलप किया जा रहा है कि बड़े से बड़ा शिप जो है ना वो ग्वादर में आके रुक जाए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि 400 to 500 million tons का वेट ये बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा,
उसके बाद फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाई जाएगी ग्वादर के अंदर। तो वो जो गैस पाइप, गैस लाइंस होंगी जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होंगी, ठीक है, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगी। ये गैस पाइप लाइन होगी, इसको कहते हैं FLNG, फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस, FLNG, ठीक है। तो ये बनाई जाएगी जो कि फ्लोट करेंगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये गैस पाइपलाइन है, ये मिडल ईस्ट से स्टार्ट होगी और ग्वादर, और ग्वादर से फिर होते हुए जो है वो आगे चाइना को कनेक्ट करेगी। और इस ये जो है ना, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भी कनेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्वादर के ऊपर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना। उसकी जो वर्थ है वो है $230 मिलियन, $230 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी 4,000 एकड़ का लैंड बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया हुआ है चाइना को। उसके अलावा 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट लगाया जाएगा ग्वादर के अंदर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसके अंदर 300 बेड रखे जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल की तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा ग्वादर के अंदर 19 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी दैट विल लिंक ग्वादर सीपोर्ट एंड मकरान कोस्टल हाईवे। उसके बाद लोकल्स, जो बलोचिस्तान के लोकल्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और 70% जो ट्रेनी है, ट्रेनिंग के बाद उन ट्रेनीज में से 70% जो ट्रेनीज हैं उनको चाइना जो है ना वो वहां पे ग्वादर के अंदर एम्प्लॉय बनाएगी, ठीक है। और उस जो इंस्टीट्यूट का नाम, जहां पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है पाक चाइना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा ग्वादर के अंदर फ्री ट्रेड एरियाज बनाए जाएंगे ऑलमोस्ट 2800, ठीक है, माइल्स जो है ना वो उसके। तो वहां पे ग्वादर को डेवलप किया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ये, अच्छा एक मिनट, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये बना रहा है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी, ठीक है, जिनके पास पोर्ट्स का सारा इख्तियार होता है, ये बना रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। और इस फ्री ट्रेड एरिया के अंदर, ठीक है, डिफरेंट जोन्स बनाई जाएंगी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी, वेयर हाउसेज भी बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक सेल्स भी बनाए जाएंगे, डिफरेंट डिस्प्ले सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है ना वो 2800 माइल के एरिया में बनाया जाएगा। तो ये जो कस्टम फ्री ट्रेड एरिया होगा, वहां पे कस्टम फ्री और एक्साइज फ्री आइटम्स जो है ना वो होंगे, ठीक है, वहां से जो मिलेंगे आइटम्स वो कस्टम फ्री हुआ करेंगे, एक्साइज फ्री हुआ करेंगे, ठीक है। और एक वहां पे 40 साल के लिए टैक्स फ्री हॉलीडे भी मनाई जाया करेगी, ठीक है, टैक्स फ्री हॉलीडे वहां पे 40 साल तक मनाई जाया करेगी। उसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मैंने आप लोगों को बताया, वो डिफरेंट फेजेस में बनाए जाएंगे। पहला फेज है 2015 से 2025 तक, जिसका जो पहला हाफ फेज गुजर चुका है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और चाइना जो सीपैक का काम है वो बड़ी तेजी से जारी है। और आप किसी को पता है कि सीपैक के चेयरमैन का क्या नाम है? एनीबॉडी? सीपैक चेयरमैन? जी बिल्कुल, अनवार असिम सलीम बाजवा, बिल्कुल। उसके बाद फेज टू है 2026 से 2030 तक, और इसके अंदर भी जो काम रह जाता होगा, रह जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का,
वो काम कंप्लीट किया जाएगा और फिर फेज थ्री आएगा 2031 से 2035 तक, जिसके अंदर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे ग्वादर के अंदर और हैवी इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी। तो ये थी आपकी सारी जो है ना वो डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर। तो नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।